तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले एक घटना तो सुन लो यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार घटना है। मैंने जैसे कि आप सभी को क्या केमिस्ट्री में IMP बताया, किसमें केमिस्ट्री में क्या बताया, IMP बताया, और उस IMP में से क्या बताया किसको कितना है कितने नहीं आए। लेकिन एक लड़के को भैया इतना आ गया, भैया सारे के सारे आ गए उसके, तो उसका मुझे क्या है कॉल आया अभी, है ना, अभी कॉल आया था उसको थोड़े समय पहले। तो भैया उसका कॉल आया, तो कॉल में वो क्या बोला कि हेलो सर, हाँ मैंने बोला हाँ हेलो, तो वो बोला भैया मेरा नाम क्या है, भैया मेरा नाम ये है ना, मैं आपसे को नहीं बताऊंगा उसका नाम। तो वो देखो क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि हाँ बोलो, तो उसने बोला कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि भैया मेरे मुझको आपने इतने मोस्ट टाइम पे देखे, भैया मेरे ना भैया पूरे में से पूरा इनकम लेंगे शायद, क्योंकि मैंने आपसे पूरे देख लिए और पूरे आ गए। मैंने बोला थैंक यू क्यों बोल रहे यार, थैंक यू कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल दिया ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि भैया नहीं इतने इतने IMP मत बताओ भैया, सारे सबके आएंगे भैया, मतलब सबका आ जाएंगे इतने नंबर, तो सबको मत बताओ, आप तो मेरे लिए काम करो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो सभी को बताऊंगा। तो क्या बोल रहा है कि भैया गोली मार दूंगा आपको, क्या मार दूंगा गोली, ठीक है। तो भैया आप सभी समझ सकते हैं यार, कॉल पर गोली चलती है। फिर मैंने कॉल काट दिया कि चलो ठीक है, वैसे कहाँ मगजमारी करेंगे, तो आप भी अभी इसको भूल जाओ और अब क्या है शुरुआत करना है, ठीक है ना। अब आज की वीडियो में क्या बताने वाले हैं अपन, कक्षा 11 इसका आपका त्रैमासिक परीक्षा इसका जो पेपर है पूरा का पूरा, वो पेपर आप सभी को बताने वाले हैं। पेपर रियल नहीं होगा, पेपर फेक होगा, लेकिन ये पेपर IMP है, मॉडल पेपर है, आप इसे मानिए, ठीक है ना। मैं आप सभी को बताने वाला, मैं दो पेपर तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये एक ये है, तो ये तीनों मिलाकर के तीन पेपर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तीन पेपर, अगर आप इन तीनों पेपर को याद कर लेते हो तो आप सभी के 60 अंक 100% आ जाएंगे, 60 अंक की मैं गारंटी देता हूँ अगर इनको याद कर लेते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए इसको याद करना है, ठीक है ना, शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सबसे बड़ी इकाई होगी जगत, सबसे छोटी जाति, ये जाति तो सबसे छोटी है, ये जगत सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अगर देखिए दुनिया में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो वो चलिए इसका आंसर बताएंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है निम्न में से किसमें DNA नहीं पाया जाता बताना है। देखिए आमाशय रस में होता है, ठीक है ना, उसके बाद किन पत्तियों की, यहाँ पर ये बतानी है ना, क्या निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है, तो यहाँ पर देखिए इन सभी का आंसर पाँच में आ जाएगा, पृष्ठाधार, ठीक है ना। चौथे में क्या आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो दूसरा में, तीसरा में, ये चौथे में, है ना, तीसरे में, चौथे में, सारे में। अगला देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो देखिए आपको ये याद नहीं रखना है कि भैया इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप सभी को उत्तर याद होना चाहिए। तो ये कहलाएगा जीव विविधता, आपको शब्द क्या रहना चाहिए, जीवान पर रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भैया आपको ऐसा मिलना चाहिए, ये इसकी आशा मत करो ऐसा मिला, अगर मिला तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिले तो अच्छा है, ठीक है ना। अगला देखिए सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को खालिस्तान जगत में रखा गया है, तो कौन से जगत में रखा गया है वो आपको बताना है। अगला देखिए, अगला क्या, कॉकरोच में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो क्या होता है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है वो बताना है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है वो आप सभी को बताना है। तो देखिए इन सभी का आंसर पहले में आ जाएगा जैव विविधता, दूसरे में मोनेरा, तीसरे में यूरिक अम्ल, चौथे में मधुमेह, पाँचवे में MG यानी कि मैग्नीशियम, है ना, क्लोरीन निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। अगला देखिए ICBN का पूरा नाम, तो ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एक और ICZN का नाम भी याद रख लेना भैया, ठीक है। देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, उसके बाद एक कोशिकी पत्ती में किस प्रकार के शिरा विन्यास पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद अगला देखिए कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखिए, ठीक है ना। ये सभी का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहे इन सभी के आंसर, ठीक है, ये क्या रहे इन सभी के आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यहाँ पर देखिए ये सही जोड़ी आप सभी को इसी प्रकार से लिख लेना है, ठीक है, फिर इन सभी का आंसर बता देते हैं। चलिए ये लो दो और ये रही, उसके बाद इन सभी का आंसर ये रहे, ये यहाँ पर इन सभी का उत्तर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर बदल लेते, थोड़ा सा कलर यहाँ पर अलग लग रहा है, अब ये देखते हैं, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए, है ना, मैं आप सभी को बीच में ये बताऊंगा भैया कौन सा याद करना है कौन सा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आद्य आर्की बैक्टीरिया के दो लक्षण है ना, ये वाला याद कर लो भैया, ये पता होना चाहिए आपको आद्य बैक्टीरिया है क्या, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है संघ पोरीफेरा के दो लक्षण, ये भी याद कर लो, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, पुष्पदल विन्यास क्या है, ये भी याद कर लो। अगला क्या है, पर टेंडल
टेंडल्स क्या है ये तो याद मत करो, चाहो तो एंजाइम के दो प्रमुख गुण ये याद कर लो, ठीक है। अगला देखिए, समसूत्री विभाजन को समूह विभाजन क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, ये 100% याद कर लो, 100%, ठीक है। अगला देखिए, परासरण को परिभाषित करो, 100% याद कर लो, है ना। शोषणीय अनुपात क्या है, 100% याद कर लो, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, ये 99% याद कर लो आप, 99%, ठीक है ना, लिख करके दे रहा हूँ। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, तो यहाँ पर ये भी आप सभी को याद करना है, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रक का नामांकित चित्र बनाए, याद कर, मतलब बनाने की प्रैक्टिस करना है आप सभी को, ठीक है। हरित लवक का नामांकित चित्र ये भी बनाने की प्रैक्टिस करना है। पितरस की कार्य लिखिए, पितरस जो पितरस इसके आपको कार्य लिखना है, 100% याद कर लो, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर श्वसन है, यहाँ पर रोशन है, श्वसन है, श्वसन में क्या परिवहन को समझा, ये भी याद कर लो, 100%, ठीक है। रक्त और लसिका में अंतर, 101% याद कर लो, 100, रक्त और लसिका में अंतर। देखिए अंश ये तो याद मत करो, ठीक है ना। स्तनी वर्ग के चार लक्षण, 100% याद कर लो ये वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जिम्नोस्पर्म के चार लक्षण, ये 100% याद कर लो, 100%। चलिए अगला देखते, द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अगला देखिए, तिल चट्टे की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना, ये भी बना लेना आप सभी को। अगला देखिए, ये दोनों चित्र महत्वपूर्ण है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। अगला देखिए, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, वेरी मोस्ट 100% आएगा, क्योंकि भैया नौवीं में भी आया है, दसवीं में भी आया है, हर साल आता है, ठीक है ना। अगला देखिए, डीएनए में आरएनए में अंतर, 100% आएगा, ये भी याद कर लेना, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, ग्लाइकोसिस का आरेख बनाइए, नाइट्रोजन चक्र ये तो रहने दो। मस्तिष्क कार्यों को लिखिए, 100% याद रख लो, है ना, कार्य वो आप तो मन से भी लिख सकते हो। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इससे स्त्रावित होने वाले 3 हार्मोन्स के नाम लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए, मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, 100% याद कर लो, है ना। पुष्पी पादपम पाए जाने वाले बीजांडों का सचित्र वर्णन, सचित्र चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फॉस्फोरेशन तो मत करो याद, ऑक्सी और अनऑक्सी क्या है, श्वसन, ये 100% याद कर लो। अभी देखो एक और बात, अगर आप सभी को इन सभी का आंसर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो पर, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो पर आपको 500 लाइक करवाना है। इसके लिए ये लाइक ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको तो लाइक करना ही होगा, आपको तो लाइक करना ही होगा, इसके लिए बस साथ शेयर करोगे, शेयर करोगे तभी तो जा करके आपके दोस्त आएंगे, उनसे बोलना लाइक करो भैया, शेयर करो और पूरी देखो वीडियो, ठीक है ना, ताकि यूट्यूब और आगे बढ़ाए, फिर और ज़्यादा लाइक होंगे। तो अगर 500 लाइक आएगा तो मैं इन सभी के जो आंसर है वो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद।